सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मेराध्यताम् इदमहमन्त्रितात् सत्यमुपैमि शांति शांति ही। पिछली कक्षा में हमने विचार किया था पंचषष्टीतम सर्ग में महात्मा विश्वामित्र जी की, महामुनि विश्वामित्र जी की प्रचंड तपस्या से पूरी पृथ्वी प्रभावित हो रही है, उसके सागर क्षुभित हो रहे हैं, पर्वत विशीर्ण हो रहे हैं, वसुधा कंपायमान हो रही है, वायु संकुलित प्रचंड रूप धारण कर रही है, तो सब ब्राह्मण जो मनुष्य हैं, सूर्य है वो जैसे निस्तेज सा हो रहा है इनके तेज के सामने, तो ये सारी सृष्टि जो है वो हिलडुल रही है तपस्या से। तो ऐसे में सब देवों ने सोचा कि अगर ये इसी तरह से तप करते रहेंगे तो पृथ्वी खतरे में पड़ सकती है, ये सारी सृष्टि ही खतरे में आ सकती है। तो उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जा करके उनसे कहा, भास्करो निष्प्रभश्चैव महर्षे तस्य तेजसा बुद्धिर्न कुरुते यामनाशे देव महामुनि। जब तक ये महामुनि इस सृष्टि का नाश करने का विचार अपने मन में ना ले आए, तावत भगवन अग्नि रूपो महाद्युति प्रसाद, इस अग्नि रूप महाद्युति विश्वामित्र को प्रसन्न कर लेना चाहिए, नहीं तो इसके मन में अगर एक विचार भी आ गया कि ये मेरे को परिणाम नहीं दे रही हैं दैवी शक्तियां, और ऐसा सोच के अगर इसको नष्ट करने का विचार इनके मन में आ गया तो प्रलय हो जाएगी फिर, तो इनको प्रसन्न कर लेना बहुत आवश्यक है, ऐसा उन्होंने सोचा। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था, तो कुछ पूछना आपको पीछे के पाठ में से, कोई प्रश्न है किसी का, आगे पढ़ें। चलिए, कालाग्निना यथा पूर्वं त्रैलोक्यं दह्यतेखिलं देवराज्यं चिकीर्षेत दीयतामस्य यन्मनः ततः सुरगणः सर्वे पितामह पुरोगमाः विश्वामित्रं महात्मानं वाक्यं मधुरम् अब्रुवन् ब्रह्मर्षे स्वागतं तेस्तु तपसा स्मस्तु सुतोषिताः ब्राह्मण्यं तपसोग्रेण प्राप्तवानसि कौशिक दीर्घमायुश्च ते ब्रह्मन् ददामि समरुद्गणः स्वस्ति प्राप्नोहि भद्रं ते गच्छ सौम्य यथा सुखम्। करें यथा पूर्वं कालाग्निना त्रैलोक्यम् अखिलं त्रैलोक्यम् दह्यते, करें जिस प्रकार पहले कालाग्नि ने
इन तीनों लोकों का दहन कर दिया था। पहले जो प्रलय हुई थी तो वो उस समय अग्नि से हुई थी। कहते हैं एक एक भूत से एक एक बार सृष्टि में प्रलय होती है, कभी जल प्रलय होती है तो कभी वायु प्रलय होती है तो कभी अग्नि प्रलय होती है, तो अलग अलग भूत निमित्त बनते हैं प्रलय होने में। तो ये बता रहे हैं इससे पहले जो प्रलय हुई थी उसने इस अखिल सृष्टि को त्रैलोक्यम तीनों लोकों को दहिए थे, जला दिया था। काल अग्नि ने जिस जैसे पहले तीनों लोकों को संपूर्ण रूप से जला दिया था, देव राज्यम चिकीर्षेत दियताम अस्य यन्मनः। तो कह रहे हैं इसी प्रकार से ऐसा ना हो कि ये अब फिर कोई और किसी भूत का आलम्बन लेकर के पुनः पूरी सृष्टि को भस्म कर दे। उससे पहले अस्य यन्मनः, इसके मन में जो कुछ है जो ये चाहता है, अस्य यन्मनः देवराज्यम चिकीर्षेत दीयताम, यदि ये देवराज भी मांगता है, देवराज्य अर्थात इंद्र का पद भी यदि मांगता है तो इसको दे दिया जाए, क्योंकि इस समय यदि इसको इसका मनमाना वरदान नहीं दिया तो पूरा का पूरा विश्व ही खतरे में आ सकता है। तो यदि ये देवों का राज्य भी चाहे तो वो भी इसको दे दिया जाए। इनको लगता है कि एक बार दे देंगे तो दोबारा प्राप्त कर लेंगे, लेकिन एक बार इनको तपस्या से हटाना जरूरी है। अगर इसी तरह उग्र तप करते रहे और इनके मन की प्रसन्नता, इनका मनमाना वरदान इन्हें नहीं मिला और यदि ये क्षुभित हो गए तो फिर तो सारी सृष्टि का ही प्रलय होना सुनिश्चित है। ततः सुरगणा सर्वे पिता महपुरोगमाः विश्वामित्रं महात्मानं वाक्यं मधुरम अब्रुवन्। तो इस प्रकार से विचार करके सर्वे सुरगणा, ततः इसके बाद सभी देवताओं ने पितामह पुरोगमाः, पितामह के पास जा करके उनके सामने खड़े होकर के, पुरोगमा माने देवों के, ब्रह्मा के सामने खड़े होकर के विश्वामित्रम महात्मानम वाक्यम मधुरम अभ्रवन। पितामह पुरोगमाः, पितामह को आगे करके उनके सामने खड़े हुए, उनको भी अपने साथ लिया और फिर उनके नेतृत्व में पितामह पुरोगमाः, पितामह को आगे करके ततः सर्वे सुरगणाः, फिर सभी देवतागण महात्मानम विश्वामित्रम, महात्मा विश्वामित्र को मधुरम वाक्यम अब्रुवन, उसके पास गए सब के सब ब्रह्मा सहित और उनको ये वाक्य बोले। क्या बोला? ब्रह्मर्षे स्वागतम तेस्तु तपसा समय सुतोषिताः ब्रह्मण्यम तपसोग्रेण प्राप्तवानसि कौशिक। हे कौशिक, ब्रह्मर्षे हे ब्रह्मऋषि, ते स्वागतम अस्तु, आपका स्वागत है, क्योंकि तपसः सुतोषिताः स्म, हम आपके तप से सुतोषित हैं, तुष प्रीतौ, आपके तपस्या से संतुष्ट हैं, आपके प्रति प्रीति हो गई है हमें, हम संतुष्ट हो गए आपके तप से, इसलिए ब्राह्मण्यम तपसोग्रेणः प्राप्तवान असि, तुम अपनी उग्र तपस्या से, उग्रेण तपसा उग्र तप से ब्राह्मण्यम प्राप्तवानसि, आप ब्रह्मत्व को प्राप्त कर चुके हैं, हो गए हैं। तो यही तो चाहते थे वो, तो सिद्धि हो गई पूरी आज। तो आप लोगों में से बहुत प्रश्न पूछते थे ना कि देखो ये इतना तप करते हैं फिर भी ऐसे कर देते हैं, किसी को शाप दे देते हैं, किसी को धमका देते हैं, किसी को डांट देते हैं, अपने पुत्रों को भी भस्म कर दिया, वशिष्ठ के पुत्रों को भी भस्म कर दिया। तो हमें ये लगता था कि मतलब ये तो हमारे से भी नीची कोटि के साधक हैं, इतना तो भस्म हम भी नहीं करते हैं। करते नहीं, हमारे अंदर तो सामर्थ्य क्या है। तो जो चलता है वो एक दिन मंजिल को पा ही जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर जो चलेगा नहीं तो
वो केवल बातें ही बनाता रहेगा, फिर उसको कभी भी मंजिल मिलती नहीं है। तो भले ही ये बार बार विफल हो रही थी, लेकिन विफलता ही सफलता का साधन है। बार बार विफल होकर के ही व्यक्ति सफल हो पाता है। फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। जो फेल होते हैं वही सफलता को पाते हैं। और जो इस भय से नहीं चलते हैं कि यदि हम चले तो फेल हो गए, तो हम चलेंगे, हम कुछ रिस्क लेंगे और हम ऐसा नहीं कर पाए तो वो कभी भी किसी मंजिल को प्राप्त होते नहीं। क्योंकि जिसने चलना ही शुरू नहीं किया, और चलना शुरू क्यों नहीं किया, गिरने के भय से, गिर ना जाए कहीं। जिसने शास्त्र इसलिए स्मरण नहीं किया कि यदि मेरा फर्स्ट प्राइज नहीं आया तो उसको कभी शास्त्र याद होंगे नहीं। जिसने कंपटीशन में इसलिए भाग नहीं लिया कि यदि हमारा फर्स्ट सेकंड स्थान नहीं आया तो उसका कभी भी इस जन्म में तो आएगा ही नहीं। और जिसने पार्टिसिपेट किया उसका अब की बार नहीं आया तो अगली बार आ जाएगा, अगली बार नहीं आया तो उससे अगली बार आएगा, उससे अगली बार भी नहीं आया तो चौथी बार जरूर आ जाएगा, और चौथी बार भी नहीं आया तो मोहम्मद गोरी की तरह से सोलहवीं बार आ जाए, आएगा, लेकिन आना पड़ेगा। क्योंकि बार बार की जो विफलता है वो भी हमें एक स्टेप आगे बढ़ा जाती है। इसलिए हमेशा व्यक्ति को प्रैक्टिकल प्रयास करना चाहिए। बौद्धिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है। ज्ञान को जीना ये बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। नहीं तो अगर जीना शुरू नहीं किया तो फिर ज्ञान हमारे लिए अभिशाप का रूप बन जाता है। फिर जो वरदान बन सकता था वो अभिशाप जरूर बन जाता है। क्योंकि ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा पाप है। जो हम जानते हैं उसको हम जीना शुरू नहीं करते, तो इससे बड़ा पाप कोई हो नहीं सकता। जो व्यक्ति नहीं जानता है वो कम से कम पापी नहीं है, वो अज्ञानी है, क्योंकि उसने तो अभी जाना ही नहीं। और जिसको पता है और फिर भी नहीं जीता है वो व्यक्ति तो पापी नहीं है, महापापी है फिर। क्योंकि जानना किसके लिए है, जीने के लिए ही है। तो इन्होंने जो जाना, एक बार जो देखा, क्या देखा इन्होंने, ब्रह्म बल ही सबसे बड़ा बल है। और उसके बाद उस ब्रह्म बल को प्राप्त करने के लिए ये जुट गए, अभ्यास में लग गए। जान तो हमने भी लिया कि सबसे बड़ा बल क्या है, ब्रह्म बल है, लेकिन तो भी उसको जीने की शुरुआत करते नहीं हैं हम। और करते हैं तो एक दिन करते हैं, अगले दिन फिर तोड़ देते हैं। तो जब तक इसमें सातत्य नहीं आएगा दीर्घ काल तक, तब तक ये माना जाएगा कि हमने उसको जाना ही नहीं। तीन शक्तियां हैं हर मनुष्य को दे करके भेजा है भगवान ने, तीन शक्तियां। एक है जानने की शक्ति, एक है मानने की शक्ति, और तीसरा है करने की शक्ति। जानने की शक्ति यहां है मस्तिष्क में, सबको भगवान ने दे के भेजी है। और दूसरा है मानने की शक्ति, वो हृदय में है, श्रद्धा, वो भी सबको दे के भेजा है। और तीसरा है करने की शक्ति, कर्मण्यता, जिसको श्रद्धे स्वामी जी महाराज बोलते हैं, मस्तिष्क में ज्ञान, हृदय में श्रद्धा, हाथों में कर्मण्यता। ये तीन शक्तियां भगवान ने सबको दे के भेजी हैं, लेकिन हम इन तीनों का स्वागत नहीं करते। और इन तीनों में से एक का भी व्यक्ति स्वागत कर दे यदि, एक का भी सदुपयोग कर ले यदि, तो उसका बेड़ा पार हो सकता है। सबके पास है ये, अनपढ़ के पास भी हैं, विद्वान के पास भी हैं, निर्धन के पास भी हैं, धनवान के पास भी हैं, कमजोर के पास भी हैं, बलवान के पास भी हैं, सबके पास हैं ये। लेकिन हम उसका उल्टी दिशा में प्रयोग करते हैं। जानने की शक्ति का प्रयोग किस में करते हैं हम, क्या जानते हैं हम दिन भर,
जानने वाली शक्ति का प्रयोग हम किस में करते हैं? या तो टीवी में न्यूज़ देखेंगे, या तो अखबार पढ़ेंगे, देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, या फिर गुरुकुल में क्या हो रहा है। तो एक दो ऐसे होते हैं यहाँ भी न्यूज़ चैनल जो पूरी खबर रखते हैं गुरुकुल की, क्या कहाँ क्या हो रहा है, और उसकी बैठ करके चर्चा करते हैं, बातें छोंकते हैं। ये प्रकोष्ठ में बैठे हुए लोग कोई ध्यान थोड़े ना कर रहे हैं, बैठ के समाधि थोड़ी लगा रखी इन्होंने, ये बैठ करके यही काम करते हैं जो नहीं आते हैं। और कुछ यहाँ आकर के भी मतलब बिल्कुल ऐसे पत्थर की तरह से उसका प्रयोग करना ही नहीं है, और करना है तो किस में करना है? उल्टी दिशा में करना है। तो जानने की शक्ति का प्रयोग, व्यक्ति सब कुछ जानने की कोशिश करता है, बस अपने आप को ही नहीं जानता है। अपने आप को जानने का, जानता तो जानेगा तो तब जब प्रयास करेगा, प्रयास ही नहीं करता है वो, इस चीज का अभ्यास ही नहीं करता है कि मेरे पास एक जानने की शक्ति है और यदि मैं चाहूं तो मैं अपने आप को जान सकता हूं, क्योंकि मेरे से पहले बहुत ऋषियों ने अपने आप को जाना। ऐसा वो सोचता ही नहीं, उसका प्रयोग करता ही नहीं। जानने की शक्ति का मिसयूज 99.99% लोग, मुश्किल से कोई 0. बिरला कोई उंगली पे गिनने योग्य, वो अपने जानने की शक्ति का सही प्रयोग करता है, महर्षि रमण की तरह, महर्षि दयानंद की तरह, महात्मा बुद्ध की तरह, स्वामी विवेकानंद की तरह। दूसरा है जानने की, मानने की शक्ति। तो सबके हृदय में श्रद्धा भगवान ने दे के भेजी है, पर उस मानने की शक्ति का प्रयोग भी मनुष्य क्या करता है? उल्टा ही करता है। जो शरीर अपना नहीं है उसको अपना मान रखा है, जो इंद्रियां अपनी नहीं है उनको अपना मान रखा है, जो संबंध अपने नहीं है उस संबंधों को अपना मान रखा है, जो संसार अपना नहीं है उस संसार को अपना मान रखा है। लगा हुआ है व्यक्ति बटोरने में, जो अपना नहीं है, तीनों लोकों में एक सुई की नोक टिकाई इतनी चीज भी अपनी है नहीं, हो सकती नहीं, कभी होगी नहीं, बिल्कुल पक्की बात, लेकिन व्यक्ति ने मान रखा है ये मेरा, उसके ऊपर मोहर लगा रखी है ये मेरा है। तो जानने की शक्ति का भी हम मिसयूज कर रहे हैं, मानने की शक्ति का भी मिसयूज कर रहे हैं। तीसरा है करने की शक्ति। करने की शक्ति का भी व्यक्ति सदुपयोग नहीं करता है। करने में हम क्या करते हैं? करने की शक्ति का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? भाई आप भी तो कर ही रहे हो, कुछ तो बोलो। करने की शक्ति का हमने कहाँ प्रयोग कर रखा है? क्या करते हैं हम? हाँ जी, हाँ? प्रमाद में तो कुछ करना ही नहीं है, पड़े रहना है। कर्मण्यता की शक्ति का प्रयोग कहाँ करते हैं? भोगों का संग्रह करने में करते हैं। कर ही रहे हैं ना हम सब, तो उसमें मतलब पता इसलिए नहीं पता है क्योंकि बिल्कुल नींद नींद में चल रहे हैं हम, हमें नहीं पता हमारी शक्तियां कहाँ खर्च हो रही। संग्रह करने में हमने उसका प्रयोग कर रखा है, चीजें बटोर रहे हैं हम। व्यक्ति मेहनत कर रहा है, घर बना रहा है, घर को सजा रहा है, मोबाइल ला रहा है, गाड़ी ला रहा है, कपड़े ला रहा है, कुछ भी ला रहा है, तो सारे भोगों के साधन इकट्ठा करने में अपनी सारी कर्मण्य शक्ति का प्रयोग हम कर लेते हैं। और एक बात और है, ये तीनों शक्तियां जो दी हैं ये सदा रहने वाली है नहीं, सदा नहीं रहती हैं, एक लिमिटेड पीरियड के लिए हमें दी गई हैं। कर्मण्यता की शक्ति हमेशा नहीं रहेगी, एक समय ऐसा भी आएगा जब आपसे एक कदम उठा के उधर उतरा नहीं जाएगा, सीढ़ियों से चढ़ा भी नहीं जाएगा। बहुत सारे बुजुर्ग हैं ना आज जो नहीं चढ़ सकते हैं। आप भी वैसे ही होने वाले हो, चिंता ना करो, सब वही होने वाले हैं। जब करवट भी नहीं ली जाएगी, जब हाथ को इतना भी नहीं उठाया जाएगा, अभिदंड बैठक मार लो, ये हमेशा नहीं रहेगी। करने की शक्ति
हमेशा रहती है नहीं, और जब शक्ति है तब हमने उसको भोगों में लगा दिया। तो जब ये शक्ति नहीं रहेगी तब व्यक्ति को पछताना ही पड़ेगा। उस समय फिर बैठा बैठा व्यक्ति सोचेगा, हाय मैं कितना बलवान था, इतना वजन उठा लिया करता, इतनी जल्दी उठ जाया करता था, इतना दौड़ लगाया करता था, इतनी दंड बैठक लगाया करता था, अब उठा भी नहीं जाता है। तो उस समय मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया जो मेरे को अब शांति दे सके, ऐसा कुछ नहीं किया। और जिस व्यक्ति ने अपनी कर्मण्य शक्ति को लगा दिया सेवा में, क्योंकि वो सदा तो रहेगी नहीं, और सेवा व्यक्ति एक समय के बाद कर सकता नहीं, अपनी नहीं कर सकता तो दूसरे की तो क्या करेगा, शरीर तो बूढ़ा होना ही है। पर जिस व्यक्ति ने जीवन के शुरुआत में अपनी सारी शक्तियों को सेवा में लगा दिया, वो उस समय जब ये शक्ति नहीं रहेगी तब वो बड़ा संतुष्ट रहेगा कि मैंने अपना पूरा जीवन किस में लगाया, सेवा में लगाया मैंने, एक एक पल भगवान की सेवा में, गुरु की सेवा में, देश की सेवा में, धर्म की सेवा में मैंने अर्पित किया। वो व्यक्ति संतुष्ट होगा। जिस व्यक्ति ने गुरु वचनों को, शास्त्र वचनों को, वेद के वचनों को, धर्म के वचनों को मानने में अपनी शक्ति लगाई, मानने वाली, वो व्यक्ति संतुष्ट होगा कि मैंने कभी भी गलत गलत को नहीं माना, मैंने हमेशा सत्य बात को ही माना, मैंने हमेशा गुरु वचनों को ही माना। तो मानने की शक्ति का सदुपयोग, जानने की शक्ति का सदुपयोग, करने की शक्ति का सदुपयोग। करने की शक्ति किस में लगानी चाहिए अपनी, मानने की शक्ति किस में लगानी चाहिए, हमारे पास एक मानने की शक्ति है उसको किस में लगाएं, गुरु वचन मानने में लगाएं, वेद वचन मानने में लगाएं, शास्त्र वचन को मानने में लगाएं, ऋषियों के वचनों को मानने में लगाएं। मानने वाली शक्ति का प्रयोग कहाँ करें, कहाँ करें, मानने की शक्ति कहाँ लगाएं, वेद वचन को, शास्त्र वचन को, गुरु वचन को, माता पिता के वचन को जो हमारे लिए कल्याणकारी है, धर्म के वचन को, उसमें मानने की शक्ति, मतलब उसको ऐसा मान लें कि उसको छोड़े नहीं हम। एक बार जिसको हम मान लेते हैं उसको, वो छूटता नहीं है हमारे से कभी भी। आपने एक बार मान लिया ये मेरी माँ है, आपने थोड़े देखा था कि इसी से मेरा जन्म हुआ है, मान लिया लेकिन, और कितनी दृढ़ता से मान लिया, इतनी दृढ़ता से मान लिया कि वो छूट सकता नहीं है इस जन्म में कभी। ये होता है मानना, अपना आश्रय, अपना आधार, अपना रक्षक किसको मान लिया, भगवान को मान लिया, गुरु को मान लिया। अब ये ऐसा मान लिया कि अब ये छूट सकता नहीं है इस जन्म में कभी, वो होता है मानना। मानना ये नहीं होता है कि कल तो माना और आज छुड़ा दिया, कल तक ये माँ बाप हमारे थे आज हमारा कोई इनसे संबंध नहीं है, कल तक गुरु हमारे थे आज हमारा कोई संबंध नहीं है, कल तक हम वेद दर्शन उपनिषद सब मानते थे आज हमारा कोई लेना देना नहीं, इसको मानना नहीं कहते। मानना तो वही होता है जैसे आपने अपनी माँ को माँ मान लिया, बाप को बाप मान लिया। अगर आप वाणी से ये भी कह दें कि मैं तो इसको माँ नहीं मानता हूँ, तो भी हृदय में कहीं ना कहीं ये रहेगा कि है तो माँ मेरी, चाहे मैं मानूं या ना मानूं। तो ऐसे मानने की शक्ति का यदि प्रयोग कर ले व्यक्ति, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, मैं अकेला नहीं हूं, भगवान मेरे रक्षक हैं, मैं निराश्रय नहीं हूं, गुरु मेरे आश्रय हैं, हो गया कल्याण। फिर व्यक्ति के मन में तो ऊहापोह चलता रहता है, माना ही नहीं। मान लिया किसी व्यक्ति ने एक बार, फिर उस व्यक्ति के जीवन में ये ऊहापोह आ सकती ही नहीं है। ये मानने की शक्ति का जो दुरुपयोग, आपने शरीर को मैं मान लिया, इसको कभी भूलते हो क्या? रात को भी उठा के पूछे भाई आप कौन हो, तो याद थोड़ी करना पड़ता है,
क्या बताओगे? जो शरीर का नाम है वो बताओगे। मैं तो ये हूं, इसको कहते हैं मानना, जो कभी भूला ना जाए। और जानना, अगर व्यक्ति ने जानने की शक्ति का प्रयोग कर लिया, खुद को यदि जान लिया तो सारे लोक लोकांतरों को जान लिया। जिस एक के जानने से ये सारा अस्तित्व जाना जैसा ही हो जाता है, वो तत्व कौन सा है? आत्म तत्व। उस एक को जानने से ये सब जाना हुआ ही हो जाता है। तो अब ये तीनों शक्तियां हैं, तीनों में से एक का भी व्यक्ति सदुपयोग कर ले तो उसका कल्याण है, और तीनों के तीनों का कर ले तो उसका तो कहना ही क्या है। वो महापुरुष होते हैं, वो युग पुरुष होते हैं, जो अपने जानने की शक्ति का सदुपयोग करते हैं, मानने की शक्ति का भी सदुपयोग करते हैं, और कर्मण्य शक्ति का भी सदुपयोग करते हैं। वो ऋषि होते हैं, वो योगी होते हैं, संत होते हैं, महात्मा होते हैं, युग पुरुष होते हैं, युग दृष्टा होते हैं। उन्होंने अपनी सारी शक्तियों का ठीक ठीक प्रयोग किया, और जो तीनों का भी ठीक ठीक प्रयोग नहीं करते हैं, वो फिर पशु जैसे ही होते हैं। मनुष्य का देखने में मनुष्य का शरीर है, क्योंकि ये तीनों शक्तियों का सदुपयोग और मनुष्य के अलावा किसी भी योनि में किया जा सकता नहीं है, केवल मानव योनि में ही किया जा सकता है। तो ये मनुष्य की शक्ति इतनी महान हो सकती है कि ये कह रहे हैं कि तीनों लोकों को एक साथ जला सकते हैं विश्वामित्र। इतनी शक्ति है। कालाग्निना, कालाग्नि के समान हो गए हैं। कालाग्निना यथा पूर्वम त्रैलोक्यम दह्यते खिलम। अभी तो भूत हमें थोड़ी थोड़ी देर में सताते हैं, थोड़ी ठंडी हवा चलती है तो सर्दी जुकाम खांसी, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, पैरों में दर्द, थोड़ी गर्मी हो तो नाक से खून आता है, नकसीर आती है, पित्त बढ़ जाता है, सिर चकराने लगता है। अभी तो ये सारे भूत हमें सताते हैं, बारिश आए तो हाथ पैर जकड़ जाते हैं किसी किसी के, तो किसी को और कुछ उपद्रव हो जाते हैं, वात पित्त कफ में से कोई एक भी बढ़ जाए तो कहाँ तो अभी भूत हमें सता रहे हैं, और कहाँ तो योगी भूतों के ऊपर भी विजय प्राप्त करके भूत जयी बन जाता है। भूत जयी का मतलब ये नहीं है कि वो कहेगा कि भैया बारिश आई तो बारिश आई, और वो कहे नहीं आई तो नहीं आई। कुछ तो कहते हैं ऐसा भी होता है, पर ये कितना होता है ये नहीं पता है हमें, समझ में हमें नहीं आता है। इतना जरूर समझ में आता है कि ये भूत योगी के ऊपर हावी नहीं होते हैं, योगी भूतों के ऊपर हावी होता है। ये हमने अपने गुरु के जीवन में देखा।